जो बात कर रहे थे कल, हमने जहाँ डिस्कशन किया था वो एक्सरसाइज, हमने 4 में हमने ग्राफ पर हम डिस्कशन कर रहे थे। आपकी जो क्लासेस चल रही है उनमें हम क्या कर रहे थे कि आपको एक रिव्यू के रूप में पूरी क्लासों को हम केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे। तो नाउ क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने कल जो ग्राफ पर क्वेश्चन किया था वो ऐसा किया था कि उसमें जो एक्स के जो वैल्यू थे वो डायरेक्टली वेरिएबल को, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्टली डिवाइड कर रही थी। लेकिन आज हम जो देखेंगे उसमें क्या ऐसा पॉसिबल है, यदि वो उसको डिवाइड नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन के लिए मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे क्लास है 10th क्लास, ठीक है, और ये मैथ्स की हमारी क्लास चल रही है। तो देखिए हम जो ग्राफ ले रहे हैं उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। वन साइड तो ये दिया हुआ है, सेकंड साइड दिया हुआ है 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ है 4। हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये जो x का जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट वैल्यू को फुल टाइम डिवाइड कर रहा है क्या। हाँ, 312 को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स y की वैल्यू 0 लेंगे। इसी तरह हम इधर चलेंगे तो जो 5 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, वहां कर रहा है, यहाँ कंफर्म है वहां y की वैल्यू 0 होगी लेकिन यहाँ y की वैल्यू 0 नहीं होगी। फिर यहाँ हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में एटलीस्ट हमें कम से कम एक वैल्यू सोचनी पड़ेगी। जब हम एक वैल्यू निकाल लेंगे तो बाकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वही तरीका आपका, ये तो 3x हो गया और ये हो जाएगा 12 माइनस 2y। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करके आप अपनी टेबल जनरेट करेंगे। तो मैं टेबल जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से ये बना रहा हूँ, और ये हो गया x और ये हो गया y, एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ, ठीक है। इसी तरह से हम इधर चलते हैं, इधर भी हम वही करेंगे, यहाँ तो जाएगा 5x और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 2y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 5। आप देखिए इसके लिए भी हम टेबल जनरेट कर रहे हैं। तो हमने यहां पर ये x हो गया और ये y हो गया। देखिए अब हम यहां देखते हैं, तो इस सिचुएशन में तो हमने देखा ये जो 3 है वो 12 को डिवाइड करेगा कितनी बार, 4 बार। तो y की वैल्यू तो 0 लेंगे और x की वैल्यू 4 लेंगे। ये मेन उद्देश्य ये है कि अगर x का कॉफिशियंट कांस्टेंट वैल्यू को फुल टाइम डिवाइड करता है तो y की वैल्यू हमेशा 0 लेंगे, और जितने टाइम डिवाइड करेगा वो x में पुट करते हैं। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 3 3 का डिफरेंट है, इट मीन्स यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ऊपर y का कॉफिशियंट क्या है, माइनस के 2, y का कॉफिशियंट क्या है माइनस के 2, तो 2 में ये 4 में 2 लेस करेंगे तो 2, और फिर 2 में करेंगे तो 0, ठीक है। आप इसको हम नीचे देखेंगे, ठीक है, कि ये सही है या गलत है। तो इसी तरह हम इसमें चलते हैं, इसमें हम देखेंगे y की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अगर आप y की वैल्यू 0 लोगे तो देखो यहां पर हमने भाग दिया, देखो 4 में हम 5 का भाग देंगे, 4/5 आ जाएगा, जो एक पूर्णांक नहीं है, हमें पूर्णांक चाहिए। तो फिर क्या करें, y की वैल्यू सपोज करें, तो y की वैल्यू सपोज करें तो हम सोचते हैं y की वैल्यू 1 हो, 1 होगी तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 4 कितने होते हैं 6, 6 में भी भाग नहीं जाता। फिर हम सोचते हैं 2 लेंगे, y की वैल्यू हमने क्या लिया, 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो 2 से क्या फायदा मिलेगा, 2 से 2 दूनी 4, और 4 कितने हो गए 8, 8 में भी 5 का भाग नहीं जाएगा। अब हम लेते हैं 3, तो
तो हमने लिया 3, तो 2 तिया 6, और 6 और 4 कितने हो गए 10। क्या 10 5 से डिवाइड है? हाँ, कन्फर्मली। तो हमने y की वैल्यू कितना लिया 3, तो कितने हो गए थे 10, और 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर माइनस 2 ले लीजिए, माइनस 2 लेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे बता देता हूं, जरूरी नहीं आप पॉजिटिव सोचें, थोड़ा सा नेगेटिव भी सोच लें, इसमें वैल्यू नेगेटिव माइंड में नहीं सोचे, वैल्यू की बोल रहा हूं। ठीक है, एक तो आप नेगेटिव थिंकिंग ले आए, सर ने बोला था कि नेगेटिव सोचो। देखिए यहां पर अगर मैं वाई की वैल्यू अगर माइनस 2 ले लूं, कितना ले लूं बच्चों, माइनस 2, माइनस 2 दुनी क्या होते हैं माइनस के 4, और 4 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो आपने y की वैल्यू माइनस के 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको 0। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ क्या है, नीचे तो हमें जोड़ना है 5 5, तो माइनस 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3, कितना हो जाएगा 3, और 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई एक वैल्यू निकालनी है, जरूरी नहीं आप कैसे भी। ठीक है, अब ऊपर क्या है, प्लस 2 है, तो 2 इसमें जोड़ दिया, 4 इसमें। ठीक है, हम ये सोच कर चल रहे थे 3 भरोगे तो 2 आएगा, वो एक ही बात है, फिर आपको आगे की डिजिट मिल जाएगी। आपको कोई दो वैल्यू मिल जाए ना तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होना आवश्यक है। तो हमने माइनस 2 माना, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, क्या सही आता है या नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं, जब पहले हम फॉर्मेशन बनाएंगे, y बराबर हो तो x बराबर, ये जो बॉक्स में बना हुआ है ये आपको यहां लिखना है, और यहां पर हम कोष्टक बनाएंगे और बटे में कितना लगाएंगे 3। इसी तरह जब y बराबर हो तो x बराबर 12 माइनस 2 और बटे के 3, और जब y बराबर हो तो x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक बटे 3। ठीक है, इधर चलते हैं, जब y बराबर हो तो फॉर्मेशन क्या है, x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक और बटे 5। ठीक है, और इसमें लेंगे जब y बराबर हो तो x बराबर 4 प्लस 2 और ये 5, और जब y बराबर हो तो x बराबर 4 प्लस 2 और ये बटे 5। अब हमें इनमें सिर्फ वैल्यू भरना है, एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% बच्चे ये टेबल निकाल, पहले ये कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद टेबल जनरेट करते हैं, और हम पहले टेबल बनाते हैं उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जस्ट दुनिया के अपोजिट। ठीक है, तो आगे चलें, तो देखिए सबसे पहले हम y की वैल्यू यहां क्या दी हुई है 0, तो यहां भी क्या भरेंगे 0, फिर क्या है 3, तो यहां भी भरेंगे 3, फिर यहां क्या है 6, तो यहां भी भरेंगे 6, तो क्या क्या वैल्यू मिलेगी 4, 2 और 0। एक बार चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक, क्या हमने जो वैल्यू ली है वो सही है या गलत है। तो देखो यहाँ हो गए 6 दुनी 12, 12 में से 12 गए तो 0, 0 में 3 का भाग देंगे तो 3, यानी सही है। सही है, इसी तरह यहाँ देखो 2 तिया 6, 12 में से 6 गए तो 6, 6 में 3 का भाग दिया तो 2, करेक्ट वैल्यू। इधर चलते हैं, आपने y की वैल्यू सबसे पहले कितने लिए माइनस के 2, माइनस के 2, तो यहाँ भी भर देंगे माइनस के 2, फिर यहाँ क्या लिया 3, तो यहाँ भी भर देंगे 3, फिर यहाँ क्या लेंगे
ठीक है, यहां क्या लें 8, तो यहां भी क्या लेंगे 8, तो क्या क्या वैल्यू मिली 0, 2 और 4, क्या क्या वैल्यू मिली 0, 2 और 4। अब क्रॉस चेक करके देखते हैं, क्रॉस चेक करके देखेंगे तो 8 × 2 = 16, 16 × 4 हो गए 20, 20 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 10, 10 में 5 का भाग 2 बार, −2 × −4, 4 × 4 = 0, 0 में 5 का भाग दिया 0। इट मीन्स हमने जो वैल्यूज ली है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। क्या है? एग्जैक्ट करेक्ट। तो फिर हम आगे चले, हम देखेंगे y की मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ऊपर क्या आ रहा है 0, 2, 4। इनमें देखो एक चीज, आपको एग्जैक्ट आंसर का पता लगाना है। क्या पता लगाना है? एग्जैक्ट आंसर का पता लगाना है। तो इन दोनों सारणियों में एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों में कॉमन होगी। गौर से देखिए, ये रही 2 और 3, इधर भी देखिए, ये देखिए, ये 2 और ये 3, दोनों में कॉमन आ रही है। इट मीन्स आपकी जो दोनों लाइनें हैं वो 2 और 3 पर क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कन्फर्म है। यानी कि x का मान तो हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा आपके पास 3। और हम ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करती है या नहीं करती। इसके लिए मैं सबसे पहले इस टेबल को, ठीक है, तो टेबल देखते हैं हम। टेबल क्या है हमारी, यहां से हम देख रहे हैं, तो हमारे पास टेबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटाकर ग्राफ की वो बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ग्राफ कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ग्राफ होता है, बस ये एक हवा है कि ग्राफ क्या है, ठीक है। तो ग्राफ बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 तक है, ठीक है। तो ये x और ये x, ठीक है। थोड़ा लाइन को नीचे लेते हैं क्योंकि लाइन यहां जाके टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, इधर ले लिया, यहां तो हो गया 0, यहां क्या ले लेते हैं 1, यहां ले लेते हैं 2, यहां ले लेते हैं 3, यहां ले लेते हैं 4, 5, 6, 7। मैक्सिमम वैल्यू क्या है x के, 4 तक है, ठीक है। अब इधर जो वैल्यू लेता हूं, ये हो गया माइनस के y, और इसको ले लेते हैं हम प्लस के y, ठीक है। इधर भी लिखिए 1, −2, −3 और −4, ठीक है। इधर मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 8 तक है, ठीक है ना। तो यहां से हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और ये हो जाएगा 8। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है बच्चों। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, उस पर ज़्यादा माइंड नहीं करें। सबसे पहले हमारे पास है 4, 0, यानी कि 4 और 0।
तो सबसे पहले हम x पर चलेंगे, x पर हम यहाँ तक चलेंगे और y का मतलब है जीरो, इट मीन्स हमारा पॉइंट ये रहेगा। ठीक है बच्चों, मतलब सबसे पहले आप x की वैल्यू लेंगे, ठीक है, जैसे आपकी जो टेबल है ना वो ऐसे बनी हुई है, ये x और ये y, जैसे 4 और 0 है ना, तो पहले आप x पर चलेंगे 4, तो पहले आपको यूँ जाना है, या तो इस साइड जाएंगे, या तो राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर किस सिचुएशन में जाएंगे, जब आपके पास x की वैल्यू 0 दी हो, ठीक है, डायरेक्टली ऊपर जाना है तो जब x की वैल्यू 0 दी हो तो डायरेक्टली ऊपर जाएंगे। तो यहां से हम चलते हैं, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद है 2, 3, तो आपको x पर चलना है 2 और y पर चलना है आपको 3, इट मीन्स यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट उसे ने। और फिर है 0.6, इधर जाना, सीधा कहां जाना, ऊपर जाना, यानी कि 6 पर जाना, ठीक है, चलो है ना। तो इस प्रकार से ये लाइन होगी आपकी, ठीक है ना, हाँ, ये विदाउट स्केल है तो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है ऑलमोस्ट। फिर अगला है आपके 0-2, ठीक है, तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -2, तो ये 0-2 ये यहां पर। फिर क्या है आपके पास 2-3, तो x पर 2 और 3 यानी कि यहां पर। फिर लास्ट क्या है 4-8, तो ये 4 और 8 यानी कि इस जगह मिलेगी, तो ये लाइन ऐसे निकलेगी और इस तरह से ये। अब आपने ग्राफ तो बना लिया, ठीक है, अब ग्राफ बना लिया तो मेन जो चीजें हैं, एक चीज हमेशा ये करें कि जब भी आपको ग्राफ कहीं मिले तो उसे y अक्ष से और x अक्ष से इस प्रकार से डॉटेड के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा 2-3। एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे आपने ये पॉइंट लिया तो इस पे इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4-8, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0-6, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0-2 और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4-0। आपका जो एक्चुअली आंसर होगा वो होगा 2-3, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है, मान लीजिए इसमें कहा गया है कि एक एडिशनल क्वेश्चन दे दिया कि a बराबर, आपको एक एडिशनल क्वेश्चन दे दिया, मैं यहां लिख लेता हूं, यदि a बराबर 2x+3y हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर a का मान कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए आपको देखो x और y की वैल्यू, प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या है 2-3, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x की वैल्यू 2 प्लस यहां पर हो जाएगी इसकी वैल्यू 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4+9, यानी कि a का मान हो जाएगा 13। तो ये आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन का वर्क करेगा और यही आपके लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि इसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ, इसके साथ ही हम यहां पर हम पैमाना लिखेंगे। पैमाना हम यहां पर लिख रहे हैं राइट कॉर्नर में, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ी, तो एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर और वाई अक्ष पर
एक सेमी बराबर यहां पर हो जाएगा वन, एक इकाई, और यहां भी हो जाएगा एक इकाई, एक इकाई और एक इकाई। तो x अक्ष पर भी हमने एक एक इकाई ली है, y पर भी हमने एक एक ली। यदि y पर आप दो दो लेते हैं तो दो दो इकाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।